दोस्तों बनाना यानी केला एक ऐसा फूड है जो हमारी डेली लाइफ में खाने के लिए बहुत जरूरी है। क्या होता है मैं आपको बता दूं, बनाना एक ऐसा फूड है जिसमें हाई फाइबर होता है, उसी के साथ में बनाना में स्टार्ची प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बहुत से लोग अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हैं तो उनके लिए बनाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बनाना में हाई कार्बोहाइड्रेट होता है और वो भी गुड कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके वेट गेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसी के साथ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, बॉडी मसल्स बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बनाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मैं आपको बता दूं, बनाना में होता है हाई फाइबर। हाई फाइबर से क्या होता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। उसी के साथ में अगर हम बनाना डेली खाते हैं, अगर हम डेली दो बनाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो कोर्टिसोल लेवल है वो काफी कम होता है। क्या होता है, जो कोर्टिसोल लेवल होता है ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस को बढ़ाता है। और एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका वेट भी बढ़ेगा, और आपकी अगर मसल्स आप बनाना चाह रहे हो, बॉडी बनाना चाह रहे हो, तो वो बॉडी नहीं बन पाएगी। तो अगर आप लोग डेली दो बनाना खाते हो तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल कम होगा और आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। और जब हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो अगर हम हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बॉडी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना। उसी के साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें बनाना किस चीज के साथ में खाना चाहिए और क्या समय होना चाहिए बनाना खाने का। देखिए, मैं सबसे अच्छा जो समय होता है बनाना खाने का वो होता है सुबह के टाइम, यानी फ्रेश होने के बाद आप लोग अगर दो बनाना खाते हो तो ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आपको पूरे दिन में देता रहता है। उसी के साथ में जो दूसरा सबसे अच्छा समय होता है वो होता है एक्सरसाइज करने से कम 30 मिनट पहले। अगर आप लोग दो बनाना खाते हो तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे कि आप लोग जब एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी। बनाना में होता है कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता रहता है एक्सरसाइज करते हुए। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो आप लोग प्री वर्कआउट मील के रूप में बनाना खा सकते हो, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी के साथ में अगर आप लोग बनाना खाते हो दूध के साथ में, उसमें थोड़ा सा मक्खन मिला के खाते हो, तो आपका वेट गेन बहुत तेजी से होगा। आपको किसी भी मास गेनर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ दो केले एक दूध में डाल के, थोड़ा सा उसमें मक्खन अगर आप लोग डाल देते हो, तो आपका वेट बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। उसी के साथ में बनाना आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा कर देता है। मान लीजिए अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है और आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप बनाना खाओगे तो आपका वेट बढ़ने लगेगा। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो कोर्टिसोल लेवल कम कर देगा बनाना आपकी बॉडी में, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होने लगेगा और धीरे धीरे आपका वेट कम होने लगेगा। उसी के साथ में अगर आपको पूरे दिन थकान महसूस होती रहती है, मतलब आपकी बॉडी में थकान रहती है, आपका स्टैमिना की कमी है, तो बनाना आपके लिए स्टैमिना भी बढ़ाता है। तो इसीलिए आपको कम से कम रोज दो बनाना खाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग रनिंग करते हैं, आप लोग दौड़ते हैं और आपकी सांस फूलती है, तो भी आपके लिए बनाना बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, रनिंग करने से थोड़ी देर पहले एक बनाना खाना है, आपको उस टाइम दो बनाना नहीं खाना है, क्योंकि रनिंग करते हुए जो हमारा डाइजेशन है वो ऊपर नीचे होता रहता है, और इसीलिए हमें उस टाइम पे दो बनाना नहीं एक बनाना खाना है, और एक बनाना आपको एक घंटे पहले खाना है। तो इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और आपको रनिंग करते समय एनर्जी मिलेगी। क्या होता है, जो बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारा धीरे धीरे ब्रेक होता है, और इस वजह से इसको जब हम खाते हैं तो हमें धीरे धीरे एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करती है और हमें एनर्जी देती रहती है पूरे टाइम, जितने टाइम हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं। तो अगर आप लोग अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं या वेट कम करना चाहते हैं, हर चीज में आपके लिए बनाना बहुत ही अच्छा फूड है, आप इसे जरूर से अपनी डाइट में शामिल करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।